सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का। सो दोस्तों, आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें बताएंगे हम कि जो भी ग्रेड होता है M30 ग्रेड में, इसमें वाटर कंटेंट जो होती है वो किस हिसाब से हमको बढ़ता है, मतलब कितना इसमें स्लम वैल्यू के हिसाब से कितना वाटर कंटेंट होना चाहिए। जब भी आप साइट पर वर्क करा रहे हैं तो उसमें आप साइट पर ये नोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्लम आपको पता नहीं चलता है कि जो स्लम जो आ रही है उस स्लम के हिसाब से हमारा वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यही सिखाऊंगा यहाँ पे कि जो वाटर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए और कितना इसमें स्लम होना चाहिए वाटर के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हमारा M30 ग्रेड कंक्रीट जो है मिक्स डिजाइन का, इसमें बात करेंगे कि जो वाटर कंटेंट है वह टेबल नंबर 2 IS कोड जो हमारा यहाँ पे है 10262 2009, यहाँ पे जो है फॉर M30 जो मैक्सिमम साइज आप एग्रीगेट का है वहाँ पे जो है दिया हुआ है हमारा वाटर कंटेंट 186 लीटर होना चाहिए। ये IS कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा वाटर की कंटेंट है कि यहाँ पे हमारी वाटर की मात्रा जो है कंक्रीट में M30 ग्रेड में 186 लीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये किसके लिए है, जो हमारी स्लम वैल्यू है वह स्लम वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 25 से लेके 50 mm के बीच में भी होना चाहिए 186 लीटर। अगर ये यहाँ स्लम वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो इस वाटर की जो यह क्वान्टिटी है ये बढ़ जाएगी हमारी, इतना इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी क्या है कि जो अगर ये स्लम जो हमारी है 25 से लेके 50 mm के बीच में है 186 लीटर होनी चाहिए। अब ये कितना परसेंट बढ़ता है, जैसे हमारी अगर ये 25 mm जो हमारी स्लम की वैल्यू है अगर बढ़ रही है 50 से अगर 75 हो रही है तो वहाँ पे हमारी जो इंक्रीमेंट जो होगी वाटर की ये 3% होगी यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर रिक्वायर्ड है हमारी 150 mm स्लम वैल्यू की, 150 mm स्लम वैल्यू की रिक्वायर्ड है, अगर हमको इतना स्लम चाहिए तो हमारी वाटर की कंटेंट जो है मतलब वाटर कितना उसमें होना चाहिए ये हम देखेंगे पूरा। तो पहले देखिए यहाँ पे जो अगर ये 50 mm स्लम वैल्यू के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वह 186 लीटर, ये हमारी IS कोड के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मिल जा रही है, ये IS कोड है। तो यहाँ पे हमारी जो वाटर की कंटेंट है अगर 50 mm स्लम वैल्यू है तो ये हमारी जो 186 मिल जा रही है। अगर ये हमारी 75 mm स्लम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी मैंने ऊपर बताया है कि यहाँ पे 25 mm इंक्रीमेंट करने पे 3% वाटर बढ़ जाती है। तो यहाँ 25 mm तो इंक्रीमेंट हो गई, तो यहाँ पे हमारी वाटर की जो क्वांटिटी है वह 3% बढ़ जाएगी, वो भी किसका, 186 का 3% हम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारी इतनी होगी 5.518 लीटर होगी। तो ये हमारी इतना लीटर यहाँ पे ये किसमें हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी इसमें, ये इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब अभी हमारी यहाँ पे अगर 75 mm की स्लम वैल्यू हमारी है तो वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी है 191.58 लीटर हमारी हो जाएगी। अब देखते हैं अगर यही स्लम हमको 100 mm स्लम चाहिए तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट जो है यह 100 mm में 25 दो बार बढ़ाया तो यहाँ पे हमारी 6% हो जाएगी। तो यहाँ 6% इसकी बढ़ जाएगी, यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा 11.16 लीटर हमारी यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी जो हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे अब अगर इसमें ऐड करें 186 में तो ये हमारी यहाँ पे आएगी 197.16 लीटर ये हमारी वाटर की कंटेंट यहाँ पे हो जाएगी। अब इसमें ये देखते हैं कि नेक्स्ट अगर हमारी 125 mm अगर स्लम चाहिए तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 6% था, फिर 3% बढ़ जाएगी तो यहाँ 9% हो जाएगी 186 का। तो यहाँ पे हमारी टोटल जो हमारी आएगी क्वांटिटी वाटर की 202.74 लीटर ये हमारी क्वांटिटी आएगी वाटर की। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है नेक्स्ट अगर लास्ट हमारी है 150 mm चाहिए तो यहाँ पे हमारी जो वाटर की कंटेंट होगी वो 12% बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कितनी बढ़ रही थी 9%, फिर इसमें 25 mm फिर स्लम हमारा बढ़ाया तो ये जो हमारी है यहाँ पे 12% हमारी जो इंक्रीमेंट हो जाएगी वाटर की। अब यहाँ पे हमारी इसमें ऐड करेंगे तो कितना परसेंट आएगा हमारी, ये हमारी जो है टोटल जो लीटर में आएगी वाटर की क्वांटिटी 200 वाट यानी 208.32 आएगी, इतना लीटर हमारी क्वांटिटी आएगी वाटर की।
सो हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें हम प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं, हमारी अगर स्लम वैल्यू कोई पूछे कि अगर ये विदाउट प्लास्टिसाइजर का हमारी जो है क्वांटिटी वाटर क्या आ रही है 150.2082 आ रही है। तो यहाँ पे हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी है कि अगर विदाउट सुपर प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी पूछा जाए तो। अब इसमें अगर सुपर प्लास्टिसाइजर इसमें यूज करें तो ये क्या करता है कि सेम डोज को ही 25% वाटर रिमूव कर देता है यहाँ से। तो अगर ये देखा जाए तो अब इसकी 25% आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये 25% जो है ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, तो हमारी यहाँ पे टोटल आएगी 135.408 लीटर आएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 140 लीटर हमारी रिक्वायरमेंट है AM30 के लिए, जो हमारी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो फाइनली हमारी कितनी आई है 140 लीटर आई है हमारी, किसमें सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करने